बैठते हैं एसपी साहब और डीसी मैडम के निर्देशानुसार कि जो जमीन से जुड़े मामले हों जिनका थाना से या सीओ के स्तर से समाधान हो सकता है और संबंधित पक्षकार अगर उस पर तैयार हैं तो उनको कोर्ट कचहरी के लंबी प्रक्रिया से बचते हुए यहाँ पे निष्पादन किया जाए। चूँकि हम लोगों के यहाँ शहरी क्षेत्र में जमीन से जुड़े बहुत मामले विवादित आते हैं जिनका बहुत त्वरित निष्पादन नहीं होता है लेकिन विधि व्यवस्था के लिए समस्या हो जाती है, कभी कभी हम लोगों के लिए विपरीत स्थिति भी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति हैं वो यहाँ थाना पे हम लोग उनका कागजात लेते हैं और अगर दोनों पक्षकार सहमत होते हैं तो हम लोग उनको उनसे ये सहमति लेके कि आप लोग अपना वो करिए और किसी भी व्यवस्था पे विधि व्यवस्था को भंग मत करिए। आज सर कितने मामलों को लेकर के आज अभी तक लगभग 7 मामलों को सुनवाई हो चुकी है जिसमें संबंधित पक्षों को अगर वो हमारे इससे आज की कार्रवाई से नहीं भी संतुष्ट रहता है तो सक्षम न्यायालय जा सकता है। वो अगर वो मान लीजिए अगर वो कहेगा कि नहीं कब्जा को लेकर है तो हम लोग जो नियमानुसार कागज़ देख के बता देते हैं कि आपका आपका है, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं मेरा इतना बनता है मेरा इतना बनता है तो वो सक्षम न्यायालय जाए। एक पार्षद जी आए हुए थे ठाकुर जी, तो उनके संदर्भ में क्या मामला है? वो चूंकि जो जमीन उन लोगों का है वो एक व्यक्ति का जो है उस पर यहाँ पे थाने में आवेदन आया था कि उसका सामान तोड़ के लेके चले गए तो उनसे जो है पूछताछ की गई तो वो बोले कि नहीं मेरा जमीन नहीं है मेरे भाई के हिस्से का जमीन है तो उन लोगों को यहाँ से फिर उसके बाद भेज दिया गया, कर्मचारी जाके जांच करेंगे उसके बाद उसका निष्पादन होगा। किस दिन इस थाने में इस मामला को सुलझाया जाता है? 15 तारीख और 30 तारीख को होता है, इस 30 तारीख को होल दिवस की छुट्टी थी इसलिए आज वो निर्धारित कर दिया गया था 2 तारीख को।